दुनिया की नंबर वन मिलिट्री हमारे पास, दुनिया की नंबर वन मिलिट्री हमारे पास। मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दुनिया की नंबर वन ईमान के लिहाज से फोर्स हमारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के आप मौआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आप This video has been made to show the truth in which we have given our full research and time so that with complete facts and proof the youth of the country get knowledge and the real truth can be known. पुलिस का अदारा देख लें, किसी भी अदारे को आप देख लें, पुलिस जब 9 माह की ट्रेनिंग दे के बच्चे को निकालती है ना, वो बामल बना के, मैं अगर कह दूं कि आधा वली बना के निकालती है तो गलत नहीं होगा, लेकिन जब वो हमारे सिस्टम में आता है वो फिर वही हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं मेरी, इनकी, और ये पाकिस्तान की पब्लिक है, इनकी गलतियां, लेकिन सबसे पहले हमारी आदत बन चुकी है, हम डालेंगे गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट डालेगी यहूदियों पे, काफरों पे, हिंदुओं पे, अमेरिका पे, इसराइल पे या फिर इंडिया पे। जब तक हम इल्जाम लगाते रहेंगे हम नीचे से नीचे जाते रहेंगे, जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम बेहतरीन नहीं ला सकते। दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट होना बहुत मुश्किल है। अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें चाहिए सबसे पहले खुद अपनी रिस्पेक्ट करें, खुद अपने आप को जाने, अपनी गलतियों को दूर करें, फिर ही दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। ये तो हमारे पास, मैं दुनिया की नंबर वन मिलिट्री हमारे पास, नंबर वन मिलिट्री हमारे पास नहीं है, मतलब ये हमारे दिल में है ना। हाँ। लेकिन गूगल अगर करें तो वो दुनिया की नंबर वन नहीं बनती, वो 6, 7 या 8 इसके राउंड बोर्ड। मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना, ठीक है ना। तुर्की वाले भी ईमान वाले हैं तो वो भी नंबर वन होने का ना। अगर इतना ही ईमान था तो 93,000 फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? अगर इतना ही ईमान था तो बांग्लादेश बनने से क्यों नहीं रोक पाए? और अगर इतना ही ईमान था तो करगिल वॉर क्यों हार गए थे? पता क्या, इन पाकिस्तानियों ने जो है ना ईमान नापने का थर्मामीटर बना रखा है, जैसे बुखार नापने का थर्मामीटर होता है ना, वैसे इन्होंने ईमान नापने का थर्मामीटर बनाया हुआ है। उससे इन्हें पता चल जाता है कितना किसमें ईमान है। लाइक ये लोग कैसे इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास ईमान है, दूसरे के पास ईमान नहीं है? ये कैसे जज कर सकते हैं किसी को? जो चीजें प्रैक्टिकली फैक्ट में हम चेक कर सकते हैं ये वो चीजें चेक नहीं करते। जो चीज इम्पॉसिबल है चेक करना वो ये चीजें चेक करते हैं। 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को पैदा हुए और उनका सपना जो है सपना ही रह गया कि सुपर डुपर बनाना है हमें पाकिस्तान को। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। ये छोड़ो यार ये सब बेकार की बात है, ईमान ये सब, रिजल्ट की बात करो। रिजल्ट क्या है? क्या रिजल्ट आपने शो किया है दुनिया को? ये बात होती है। और ये जो पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया साजिश करता है हमारे खिलाफ, ये करता है, यार देखो पाकिस्तान जो है ना खुद अंदर से खोखला हो चुका है और इंडिया को जरूरत है ही नहीं कुछ करने के लिए, और ना ही इंडिया पे इतना टाइम है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें। हम यार अपने इनोवेशन में इतने बिजी है ना कि हम ध्यान ही नहीं देते पाकिस्तान की तरफ। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये आप ही यहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं वे खुद कहते हैं। सुनिए एक बार आप। आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। तो सुना आपने, तो ये ईमान वाली ये जो चीजें हैं ये हटाओ यार, रिजल्ट दिखाओ दुनिया को कि आप क्या रिजल्ट शो कर सकते हो पूरी दुनिया के लिए। आधा मुल्क आप 71 में वैसे ही गवा बैठे हो, फिर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और एजुकेशन भी आपके यहाँ माइनॉरिटीज के खिलाफ गलत पढ़ाई जा रही है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि एजुकेशन लो वहाँ से आप, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन तो पता ही है कहाँ पे है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन गूगल अगर करें तो वो दुनिया की नंबर वन नहीं बनती, वो 6, 7 या 8 इसके राउंड बोर्ड। मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना। ये यार अगर उनमें ऑनेस्टी आ जाए ना, हार्ड वर्किंग आ जाए, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दुनिया की नंबर वन ईमान के लिहाज से फोर्स हमारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ईमानदारी आ जाए, अगर इसका मतलब अभी ईमानदारी नहीं है। नहीं है थोड़ी सी। इसका मतलब अभी ईमानदारी नहीं है। नहीं है थोड़ी सी। पाकिस्तानी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।